अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ARY90 न्यूज और मैं हूं अब्दुल जब्बार। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। हुकूमत पंजाब ने आज से लॉकडाउन खत्म कर दिया। ईद के तीसरे रोज भी कुर्बानी का सिलसिला जारी। वफाकी हुकूमत की जानिब से आज की छुट्टी का ऐलान नहीं किया गया। सूबा बलोचिस्तान में समाप्त लॉकडाउन में मजीद 15 रोज की तौसी कर दी गई। नैब की बड़ी ईद पर बड़ी कार्रवाई, शरीफ ग्रुप का CFO गिरफ्तार। उस्मान मशकूक गैर मुल्की तरसीलात के लिए मनी चेंजर्स का इंतजाम करते रहे। नैब के दराए के मुताबिक मोहम्मद उस्मान नोटिस के बावजूद तहकीकात के लिए पेश न हुए। मनासे के हज मुकम्मल, आखिरी रोज में हुजाज ने तीनों जमरात पर रमी की। मनासे के हज के बाद मस्जिदुल हराम और मताफ की तहारत का अमल भी मुकम्मल। पाकिस्तानी टीम की 5 अगस्त से शुरू होने वाले पहले टेस्ट की तैयारियां। कौमी टीम की मैनचेस्टर में प्रैक्टिस, हारिस रऊफ ने भी ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तानी हलक टीम की सपोर्ट के लिए मैदान में आ गया। चाचा क्रिकेट टीम की हौसला अफजाई के लिए इंग्लैंड ना जाने पर अफसुर्दा। मोटरवे M5 पर होने वाली डकैती ट्रेस, एक मुजरिम पुलिस हिरासत में, बाकी की तलाश जारी। अफवाज पाकिस्तान के सिपाही खुशगवार मूड में। ये थी आज की ताज़ा तरीन हेडलाइंस। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए ARY90 न्यूज़।